ना सदा सिन्नो सदा सिद्दानीं ना सिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरं सृष्टि से पहले सत नहीं था असत भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था छिपा था क्या कहा किसने ढका था उस पल तो अगम अतल जल भी कहा था गौतम बुद्ध के बाद की दो सदियों में हिंदुस्तान ने कई तब्दीलियां देखी। छोटे ठिकाने बिखड़े रजवाड़े और लोकशाही गणराज्य जोड़कर एक केंद्रीय सरकार बनाने की तरह तरह की कोशिशें हो रही थीं। इन कोशिशों की वजह से एक मजबूत विकसित राज्य वजूद में आया। भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत इलाके में सिकंदर के हमलों ने इन कोशिशों को बढ़ावा दिया। तभी उस दौर की दो अनोखी शख्सियतों ने बदलते हालात का फायदा उठाकर उन्हें अपनी इच्छा के मुताबिक मोड़ा। ये दो थे चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री मित्र और गुरु विष्णुगुप्त चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। शक्तिशाली मगध साम्राज्य से दोनों को देश निकाला मिला तो वो पाटलिपुत्र छोड़कर तक्षशिला की तरफ आए। यहां वो सिकंदर की फौज के संपर्क में आए और जब 323 ईसवी पूर्व में सिकंदर की मौत की खबर मिली तो चंद्रगुप्त और चाणक्य ने जनता को विदेशी हमलावरों के खिलाफ खड़ा किया और तक्षशिला पे कब्जा कर लिया। फिर चंद्रगुप्त बीच के सारे इलाके जीतता हुआ मगध की राजधानी पाटलिपुत्र की तरफ आने लगा और नंद वंश को शिकस्त देकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक और उत्तर में कश्मीर और काबुल तक फैला हुआ था। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे तेजोमय सूर्य देवता, मैं चणक का पुत्र विष्णुगुप्त तुम्हें अर्घ समर्पित करता हूं, स्वीकार करो। इस जम्बद्वीप के लोक समाज में तुम्हारा प्रकाश फैले, ये समाज महानता को पाए, यही मेरी प्रार्थना है। आशीर्वाद दो। प्रणाम। प्रणाम आचार्य। कौन हो तुम? मैं चंद्रगुप्त मौर्य हूँ प्रभु। चंद्रगुप्त मुरादासी का बेटा? चंद्रगुप्त
नंद के विरुद्ध तुम्ही ने विद्रोह किया है ना? मुझे वहां से देश निकाला दे दिया गया है प्रभु। मुझसे क्या चाहते हो? मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मुझसे क्या सीख पाओगे? मैंने सुना है आप अर्थशास्त्र पर ग्रंथ लिख रहे हैं। लिखना शुरू भर किया है, अभी पूरा नहीं किया, पर उसे सीखकर तुम्हारा क्या कल्याण होने चला है? आचार्य, मैं सम्राट बनने की कामना रखता हूँ, मगध का सम्राट। तुम सम्राट? अरे तुम तो क्षत्रिय भी नहीं हो, मेंढ की को जुकाम हुआ चाहता है। आचार्य, मगध का राजा नंद क्या क्षत्रिय है? ना हो, पर उसके पास राज्य तो है। चंद्रगुप्त, अर्थशास्त्र राज्य को संगठित करना, प्रशासन करना सिखाता है। ये तुम्हारे काम की चीज नहीं, इससे तो उन्हीं को लाभ होगा जिन्हें प्रशासन करना है, और प्रशासन करने के लिए जिनके पास राज्य है। आचार्य, आचार्य मुझे भी सिखाइए कि राज्य कैसे जीता जाता है, मगध जैसा राज्य। स्वप्न को यथार्थ में बदलना सबके बस की बात नहीं चंद्रगुप्त। किंतु स्वप्न देखना भी तो सबके बस की बात नहीं है आचार्य। आप सचमुच विश्वास करते हैं कि साधारण जन की स्वाभाविक भलाई पर निर्भर किया जा सकता है, उसके भरोसे एक सुसंगठित राज्य का निर्माण हो सकता है? नहीं आचार्य, इससे बड़ा अनर्थ नहीं। आप जिस साधारण जन की महान प्रशंसा करते हैं, वो आहार, निद्रा, भय, मैथुन में डूबा रहता है। अपने और अपने परिवार के बाहर उसका कोई संसार नहीं होता, और समाज को तो जरा भी नहीं समझता वो। और राजा, क्या राजा की गुणशीलता पर विश्वास किया जा सकता है? वो तो और भी खतरनाक होता है, और मूर्ख भी। कुछ अपवादों को छोड़कर ज्यादातर राजाओं पर ताकत का नशा छा जाता है। अगर प्रतिबंध ना हो तो वो अपना स्वार्थ साधने में लग जाते हैं और समाज को बर्बाद कर देते हैं, साधारण जन से भी ज्यादा। नहीं आचार्य, आवश्यकता है एक प्रणाली की, एक पद्धति की, लोहे में ढले नियमों की। ऐसे नियम जो शब्दों की लौह कवच पहने हो, जिन्हें आसानी से तोड़ा ना जा सके। इसीलिए मेरा ग्रंथ। ऐसे ग्रंथ कौन पढ़ेगा? दो विद्वान चार बुद्धिजीवी पढ़ लेंगे, संभवतः बड़े बड़े शब्दों के सहारे तर्क भी कर लेंगे, पर इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ऐसे विद्वानों के हाथों समाज नहीं बनता। ये तो सर्वमान्य है कि ग्रंथ चिरंतन है, सनातन है। हो सकता है कालांतर में कोई तुम्हारी बुद्धि की प्रशंसा करे, तुम्हारी दृढ़ता और तुम्हारे तर्क को महत्व दे, और उस पर आचरण भी करे। और कितने ग्रंथ लिखे गए हैं अर्थशास्त्र पर, और उसका परिणाम? जानता हूं, खूब अच्छी तरह जानता हूं, पर अच्छे से अच्छा विचार शून्य में खड़ा नहीं हो सकता आचार्य। उसे ठोस पीठिका चाहिए, शक्ति और शस्त्र का समर्पण चाहिए, नहीं तो वो पवित्र विचार बना रह जाता है। आशय, मैं पाटलिपुत्र जा रहा हूं, मगध में अपने विचारों का समर्थन ढूंढने। पाटलिपुत्र, उस व्यभिचारी नंद के दरबार में तुम्हें क्या समर्थन मिलेगा? लोभ और विलास में गले तक डूबा हुआ वो पतित, वो तुम्हारी बात सुनेगा भी? मगध जाना चाहते हैं विष्णुगुप्त, जहां ब्राह्मण और क्षत्रियों की कन्याएं कूल्हे मटकाती हैं, और सम्राट घंटों बैठा उनका नाच देखता रहता। जो हो आचार्य, इस वक्त मुझे अर्थशास्त्र की चिंता है, नाट्य शास्त्र की नहीं। तुम ग्रंथों के सिद्धांतों में ही उलझे हुए हो ब्राह्मण। राजनैतिक सिद्धांत और व्यवहार का अंतर तुम्हारी समझ से परे है। इन समस्याओं के समाधान का चुनाव इतना सरल नहीं है। चुनना तो बहुत सरल है महाराज। आपको यही तो निर्णय करना है कि यूनानियों का प्रदेश हड़प लें या उन्हें अपना प्रदेश हड़पने दें। सम्राट सिकंदर यूनान लौट रहे हैं, इस हालत में क्षत्रप सेल्यूकस के लिए पूर्व दिशा की ओर कदम उठाने के छोड़ दूसरा उपाय नहीं। सेल्यूकस पाटलिपुत्र पर आक्रमण करेगा। अब अधिक समय नहीं है महाराज, तत्काल पहल कीजिए, यूनानियों के बढ़ते कदम रोकिए। अमात्य राक्षस, इस त्रस्त और क्रूर ब्राह्मण का इतना साहस जो मुझे सलाह दे रहा है,
ये समझता क्या आपने आपको? क्या इस राज्यसभा में कोई नहीं जो इस मर्वादी ब्राह्मण को बताए कि यह मगध की राज्यसभा है न कि धुनेली यज्ञशाला? हमारे राक्षस इसे यहां से हटाइए। धनाराज होश में आ, तुझ पर ताकत का नशा सवार हो गया है। चाणक्य विष्णुगुप्त अपनी इच्छा से बेबुलाए तेरे राज्यसभा में आया और तू बुद्धि को खोलकर पी गया है। तू जड, तू ये भी नहीं समझता तेरी भलाई किसमें है, मगध की भलाई किसमें है। अपनी निर्लज्जता का मूल्य चुकाएगा तू, मरेगा तू, ध्वंस होगा। ले देख, ये ब्राह्मण अपनी शिखा खोलता है, मैं तब तक ये शिखा नहीं बांधूंगा जब तक नंदवंश को पाटलिपुत्र से जड़ समेत उखाड़ कर फेंक नहीं देता। नाश हो तेरा नाश, सर्वनाश तेरा अंतिम लक्ष्य बनेगा मेरे जीवन का। मत पकड़ो, पकड़ो, बंदी बना लो इस कुटिल ब्राह्मण को। मेरी राज्यसभा में मेरा अपमान, मूर्ख। क्षमा सम्राट, बंदी बनाने का आदेश न दे। क्यों? उस विद्वान ब्राह्मण ने कोई अपराध नहीं किया है, एक महान आचार्य को अपमानित करके राज्यसभा से निकाल दिया गया है, यही बहुत है। इस पाप को और न बढ़ाए सम्राट। हां हां चंद्रगुप्त, नंदवंश को नष्ट किया जा सकता है, नंद को नष्ट करना ही होगा। परंतु कैसे गुरुदेव, मुझे तो कोई राह नहीं दिखती। वत्स, पवित्र निर्णयों को पूरा करने के लिए स्वयं देवता चले आते हैं। चिंता मत करो, केवल शपथ लो चंद्रगुप्त मौर्य, नंद वंश को नष्ट करना है। प्रतिज्ञा करो, साहस बटोरो, बुझाएं तो लो, शेष मुझ पर छोड़ दो। परंतु गुरुदेव, गुरुदेव, मगध साम्राज्य बहुत शक्तिशाली है। नहीं है, शक्तिशाली दिखता है उन्हें जो सतही दृष्टि से देखते हैं। नंद के प्रशासन में कोई सुखी नहीं है, सब तरफ असंतोष फैला हुआ है। कर की दरें ऊंची हैं, जीवन सुरक्षित नहीं, राजा लोभी और भ्रष्टाचारी है, राज्यसभा सद पतनशील, और तो और अमात्यगण भी दुखी हैं। गुरुदेव, फिर भी अमात्य राक्षस हैं, यही ना? मैं जानता हूं, वही एक समस्या है, वही एक है जो गलत निष्ठा की पताका उठाए डूबते हुए राज्य को बचाने में लगा हुआ है। सही है चंद्रगुप्त, वही एक समस्या है, पर चिंता मत करो, हल तो हर समस्या का होता है, उसे ढूंढना पड़ता है। अमात्य राक्षस को भी घुटने टेकने पड़ेंगे, उसके पास स्वप्न नहीं है चंद्रगुप्त। अरे सम्राट सिकंदर घायल हो गए, अरे सम्राट सिकंदर भाई लोग घायल हो गए, अरे सम्राट सिकंदर घायल हो गए, सम्राट सिकंदर घायल हो गए। किधर सम्राट, कैसे? ये मैं नहीं जानता, जो सुना है बता रहा हूँ, सम्राट सिकंदर घायल हो गए। सम्राट सिकंदर कैसे घायल हो गए? सुना है कि रास्ते में मगध के सिपाहियों ने छुपकर हमला किया था। सिपाहियों, तुरंत कूच करो। विश्व विजेता यूनानी सेना के वीर सेनानी बने फिरते हो तुम, यूनानी साम्राज्य के आधार स्तंभ, शर्म आनी चाहिए तुम कापुरुषों को। एक ऐरा गैरा सिकंदर की छावनी में आता है और बिना तलवार उठाए 2000 यूनानी सैनिकों में दहशत पैदा करता है, भगदड़ मचा देता है, और हमारे महान सेनापति, सिकंदर के महान सेनापति उसे बंदी तक नहीं बना पाते, और यह भी नहीं जान पाते कि वह कौन था, कहां से आया था, कौन था वो? सेल्यूकस, पूरी यूनानी साम्राज्य के महान शत्रप सेल्यूकस ने कहा तौर, क्या आप हमें यह बताने की कृपा करेंगे कि कौन था वो?
सम्राट वो मगध के नंद के जासूस रहा होगा। मगध के नंद का? उसे तो हमारी प्रगति से, हमारी बढ़ती हुई ताकत से चिढ़ होनी है। सम्राट हमें उसके खिलाफ दोस्त तैयार करने चाहिए। हमें समाचार मिला है कि तक्षशील का चाणक्य विष्णुगुप्त नंदवंश का सफाया करने पे तुला है। अगर हम उसके साथ और उसके वीर शिष्य चंद्रगुप्त के साथ गठबंधन कर सके तो शायद। एक बुद्धिमान गुरु और दूसरा उसका शूरवीर युवा शिष्य। सेल्यूकस, हमारे तक्षशील पहुंचने पर उन दोनों से हमारी मुलाकात का इंतजाम करो। प्रणाम गुरुदेव। चंद्रगुप्त इनसे मिलो, ये हैं अभिनय सम्राट कीर्ति ध्वज। दारू वर्मा का नाम धारण कर सपेरे के भेष में सिकंदर की छावनी में घुस गया। इसने वहां वो गजब ढाया कि लगभग पूरी छावनी विद्रोह कर उठे। बहुत अच्छे, ये लो अपना पुरस्कार। गुरुदेव, सिकंदर और उसके सेनापति सेलुकस दोनों को पूरी तरह विश्वास हो गया है कि सिकंदर के घायल होने की अफवाह नंद के जासूसों ने फैलाई है। नंद के जासूसों ने? जी गुरुदेव। उत्तम, अति उत्तम। परंतु गुरुदेव, इससे हमें क्या लाभ? बालक हो वृषल, भूल गए मैंने क्या लिखा है? शत्रु का शत्रु मित्र होता है। हमें इस आपसी संदेह को भुनाना होगा। यूनानियों का नंद के प्रति संदेह हमारे लिए लाभकारी साबित होगा। गुरुदेव, यूनानी हमारे मित्र और सहयोगी कैसे हो सकते हैं? हम उन्हें कुचल देंगे। हम नंद को और यूनानियों को हरा कर रहेंगे, पर तभी जब समय को अपने अनुकूल बना लेंगे। एक वक्त एक ही शत्रु से भिड़ना चाहिए। हमारा पहला शत्रु है नंद, और अब नंद का शत्रु है यूनानी सिकंदर। इसलिए हमारा पहला कर्तव्य है यूनानियों के साथ मैत्री समझौता। आप जानते ही हैं कि विपाशा नदी तक के भूभाग पर हमारा अधिकार हो गया है। महाराज आंभीग, महाराज पौरव और सेल्यूकस हमारे क्षत्रपों की हैसियत से प्रशासन का कार्य कर रहे हैं, परंतु भूभाग पर विजय पाना हमारा एकमेव लक्ष्य कभी नहीं रहा है। हमारी कामना है एक नई और महान संस्कृति और सभ्यता का उदय देखना, और उदय होगा तब भी जब यूनान और भारत की कलाएं, विधाएं, ज्ञान विज्ञान और संस्कृतियों का संगम होगा, क्योंकि यूनान और भारत के लोक समाज ही एकमात्र सुसभ्य समाज है। विद्वान आचार्य, हम इस प्रयास की सफलता के लिए आपका आशीर्वाद चाहते हैं। संस्कृतियों का संगम अद्भुत विचार है। धन्य हो। धन्य हो। धन्य हो। आचार्य चाणक्य, आप मौन क्यों थे? मैं सोचता था सम्राट कि शब्दों के संगीत में तल्लीन हो जाना हम भारतीयों की विशेषता है। लगता है आप पर भी रंग चढ़ गया है। आपकी योजना आकर्षक है, पर क्या इसे यथार्थ की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए? अभी यहां यूनानी सत्ता स्थिर नहीं हो पाई है। मुझे लगता है आप सूखे चमड़े के एक सिरे को पांव तले दबाकर खड़े हैं, इसीलिए दूसरा सिरा उठा हुआ है और हवा में झूल रहा है। कोई व्यक्ति दृढ़ता से मध्य में पांव जमाकर खड़ा नहीं हो जाता तब तक यह चमड़ा स्थिर और अचल नहीं हो पाएगा। आपकी कामनाएं केवल कामनाएं बनी रहेंगी, उस पर सफलता के फूल नहीं खिलेंगे सम्राट। वो भी होकर रहेगा, फूल खिलेंगे आचार्य। आप जो सोचते हैं उससे पहले, लेकिन हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। आप हमारे आशीर्वाद की आवश्यकता क्यों मानते हैं? आप दिग्विजयी सम्राट हैं और मैं ठहरा निर्धनता का व्रत लेने वाला एक शिक्षक। मेरे आशीर्वाद का मूल्य ही क्या है? हमें आपकी ठोस मदद भी चाहिए आचार्य, आपकी और आपके युवा शिष्य की। उसके बारे में मैं बातचीत करने को तैयार हूं, क्योंकि ठोस कार्य ज्यादा यथार्थवादी, ज्यादा सार्थक होता है। हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। मुझे प्रसन्नता है। बात पूरी होने दीजिए। कहिए। मेरी दो शर्तें हैं। कह डाले। पहली शर्त,
नंद को पराजित करने में आपका सहयोग चाहिए हमें। और दूसरी शर्त? और हमारे गठबंधन को मजबूत करने के लिए आपके सेनापति सेल्यूकस अपनी पुत्री एलेना का विवाह चंद्रगुप्त से करा दें। चंद्रगुप्त से, जो मगध का भावी सम्राट है। आपकी शर्तें काफी गंभीर है आचार्य। क्या समझौते में उस यूनानी कन्या के साथ मेरे विवाह की शर्त भी शामिल है गुरुदेव? हाँ, वही एक शर्त है जो समझौते की नींव है। चंद्रगुप्त, तुम मगध का सम्राट बनना चाहते हो ना? या तुम्हारे पांव लड़खड़ा रहे हैं? मेरा निर्णय अटल है आचार्य। मैंने नंद वंश को जड़ से समाप्त कर देने की प्रतिज्ञा की है। अगर प्रतिज्ञा की है तो वही करो जो मैं बताऊं। गुरुदेव, आप आज्ञा दें तो मैं घनघोर युद्ध करने को तैयार हूं, हर कठिनाई से जूझने को प्रस्तुत हूं। लेकिन मैं उस कन्या से विवाह क्यों करूं जिसे मैं नहीं चाहता, जिसे मैं जानता तक नहीं? क्योंकि राजा का विवाह राजनीति तय करती है, राजा की इच्छा या सनक नहीं। चंद्रगुप्त, यही एकमेव उपाय है जो यूनानियों के साथ हमारा गठबंधन पक्का करेगा। दो दो शत्रुओं को साथ झेलना चाहते हो क्या? तुम एलेना से ब्याह करोगे? नहीं गुरुदेव, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं सुवासिनी को। सुवासिनी? कौन सुवासिनी? शकटार की पुत्री, नंद के सुरक्षा मंत्री की पुत्री। और सुवासिनी से ब्याह करके तुम्हें क्या लाभ होगा? सोचो चंद्रगुप्त, सोचो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? तुम्हारी महत्वाकांक्षा क्या है? तुम्हारा स्वप्न क्या है? मत भूलो, तुम्हारा जन्म प्रेम की रंगरेलियां मनाने के लिए नहीं हुआ है। निकट भविष्य में तुम मगध के, पूरे जम्बद्वीप के एक छत्र सम्राट बनोगे। उस सुनहले स्वप्न को साकार करने के लिए तुम्हें एलेना से ब्याह करना है, और वो तुम करोगे। पता नहीं तुम तक्षशिला से लौट सकोगे भी या नहीं। मैं आऊंगा सुवासिनी, शिक्षा पूरी होते ही लौट आऊंगा। नहीं, सम्राट तुम्हारा विद्रोह माफ नहीं करेंगे। ये बिछोने वाले था ना चंद्रगुप्त, हम लोग लकड़ी के लट्ठों की तरह हैं, बहती नदी में अचानक मिल जाते हैं, कुछ देर साथ बहते हैं और फिर बिछड़ जाते हैं। मेरा निर्णय अटल है सुवासिनी, मैं अवश्य लौटूंगा और मगध का सम्राट बनकर ही लौटूंगा। Thank you.
तुम्हारी पुत्री का लावण्य शब्दों से परे है। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा धरती पर उतरकर नृत्य कर रही हो। सम्राट की कृपा है ऐसा प्रोत्साहन। चक्कर, हम उसे और प्रोत्साहन देना चाहते हैं। ये केवल हमारे लिए नृत्य करेगी। अवश्य सम्राट, वो आपकी पुत्री समान है। मूर्ख, ये हमारा निर्णय है। वो हमारी पत्नी बनेगी और राजमहिषी। किंतु सम्राट, ये कैसे संभव हो सकता है? कहां सुवासिनी की आयु और कहां आप उसके पिता समान। शक्कर, तू हमारा विरोध करता है, राज आज्ञा का उल्लंघन करता है। तू विद्रोही है, बंदी बना लो इसे। सम्राट, आप ये अन्याय नहीं कर सकते। नहीं, ये विद्रोही है। शक्कर, अगर तुमने अपनी पुत्री का विवाह हमसे नहीं किया तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। ले जाओ इसे। पिताजी, बेटी, बेटी, पिताजी, सम्राट की आज्ञा का पालन क्यों नहीं कर लेते? नहीं, नहीं बेटी, नहीं। मैं तुझे उस व्यभिचारी की वासना का शिकार नहीं बनने दूंगा। वो विवाह ही की तो बात कर रहा है ना? आप मेरा कन्यादान कर दीजिए, नहीं तो वो आपकी हत्या करवा देगा। होने दे मेरी हत्या। इस लोभी राजा के शासन में अब मुझे जीवित रहना भी नहीं है। इससे तो अच्छा होगा मैं विष पीकर मर जाऊं। क्यों, तू क्यों मरेगी? तू भाग भी तो सकती है। चंद्रगुप्त के पास चली जा। भूल गई, उसने तुझसे विवाह करने का वादा किया है। चंद्रगुप्त गुरु के कहने पर वो एलना से विवाह कर चुका है। तू क्या हुआ, तो चंद्रगुप्त की दूसरी पत्नी बनकर नहीं रह सकती? जा, चंद्रगुप्त तुझे स्वीकार कर लेगा। वो तो स्वीकार कर लेता, लेकिन चाणक्य विष्णुगुप्त की इस चाल ने हमारे मैत्री के द्वार बंद कर दिए हैं। जीवन फूलों की सेज नहीं है बेटी। विष्णुगुप्त झूठ है पिताजी, मुझे उसके सिद्धांतों से घृणा है। अब वो यूनानियों की सहायता लेकर मगध पर आक्रमण करेगा। विजयी हुआ तो हमारी सारी परंपराएं धूल में मिल जाएंगी। नृत्य केवल उच्च वर्णों के मनोरंजन भर रह जाएगा, जो केवल शूद्र ही किया करेंगे। ठीक ही तो है, इसी नृत्य के कारण हम पर यह प्रलय टूट पड़ा है। किंतु बेटा, तुम्हारे लिए चंद्रगुप्त की शरण राजा नंद के अत्याचार से अच्छी है। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, राजा के पास जा रही हूं, पत्नी बनूंगी उसकी, आपका जीवन दान मांगूंगी। किंतु मेरे आत्मसम्मान का क्या होगा? बेटा, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ जाएगा। एक बार जो धनानंद का विरोध करता है, फिर दोबारा उसका विश्वास पात्र नहीं बन सकता। Thank you.
का मालिक। मुझे पहचानो शक्कर, मैं चाणक्य विष्णुगुप्त हूं। तुम यहां किस लिए आए हो? यहां तुम सुरक्षित नहीं, मैं जानता हूं यहां तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हें ले चलने के लिए आया हूं। शायद तुम्हें मालूम नहीं, इस मकान के चारों ओर नंद के शस्त्रधारी रक्षक पहरा दे रहे हैं। इनमें से कई रक्षक हमारे साथ हैं, सोच विचार मत करो, चलो। विष्णुगुप्त, पहले मुझे मालूम तो हो कि अपनी इस मुक्ति का मुझे क्या मूल्य चुकाना होगा। कोई मूल्य नहीं चुकाना होगा मंत्री महोदय, मेरे पास चंद्रगुप्त का लिखा आदेश है, उसके नए शासन में आप रक्षा मंत्री होंगे। शासन जिसका अस्तित्व ही नहीं है। सूर्य उदित होकर रहेगा, अब अधिक विलंब नहीं है। व्यभिचारी नंद का शासन तुम्हारे और अमात्य राक्षस जैसे लोगों के बल पर टिका हुआ है। ऐसे शासन के दास बने रहना चाहते हो जिसमें तुम्हारी पुत्री को बलपूर्वक पत्नी बना लिया जाता है? मंत्री की पुत्री तक को नहीं शटकार, इस राज्य को तहस नहस करना होगा। हम जानते हैं नंद के कई मंत्री ईमानदार और कार्यक्षम हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, नए मंत्री परिषद में उन्हें स्थान मिलेगा तुम्हारी सलाह पर। अब अधिक समय नहीं है, निर्णय करो। कैसा निर्णय? यही कि तुम किसकी सेवा करना चाहते हो, किसके प्रति है तुम्हारी निष्ठा, मगध और जम्बद्वीप के प्रति या एक क्रूर और का पुरुष शासक के प्रति? सुवासिनी का क्या होगा, उसे नहीं बचा पाओगे? उसकी कोई आवश्यकता नहीं, पर मैं इतना आश्वासन देता हूं, चंद्रगुप्त मौर्य के शासक बन जाने पर सुहासिनी का बाल भी बांका नहीं होगा। चिंता मत करो, चलो। हमें दुख है सुवासिनी, हमें तुम्हारे पिता को बंदी बनाना पड़ा, इसके सिवाय दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं था। एक नारी को डराने धमकाने के लिए आप और कर भी क्या सकते थे? हम तुमसे क्षमा चाहते हैं साम्राज्ञी, तुम्हारे रूप सौंदर्य ने हमारा विवेक हर लिया था, हम तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। प्रेम अंधा कहा गया है ना सुवासिनी? प्रेम? हाँ सुवासिनी, प्रेम, विशुद्ध प्रेम, प्रेम को साधने का उपाय चाहे प्रेरणा हो, पर है तो प्रेम ही। क्या तुम अब भी मुझसे रुठी हुई हो? मैं सब कुछ स्वीकार कर चुकी हूं सम्राट। सम्राट? क्या केवल सम्राट? काश तुम मेरे हृदय में झांक कर देख पाती सुवासिनी। क्षमा करें प्रभु, ये पत्र पकड़ा गया है, स्वामी से देख ले। शक्तार के रक्षकों को प्राण दंड दिया जाए। जो आ गया स्वामी। ये वास्तव में तुम्हारे ही काम का है सुवासिनी।
मेरे पिता मगध की सीमा पार कर चुके हैं। चाणक्य विष्णुगुप्त ने इस घटना को भी राजनीतिक रंग दे दिया है। विष्णुगुप्त धूर्त है सम्राट, वो मौका साधने में और उसका पूरा पूरा फायदा उठाने में तेज है। हमें तो आश्चर्य होता है कि उसने तुम्हें उठा ले जाने का षड्यंत्र क्यों नहीं रचा। उसके लिए महत्व मेरा नहीं, मेरे पिता का है। सुवासिनी, क्या तुम उसके साथ जाने को तैयार हो जाती? महाराज, विष्णुगुप्त भले ही भूल जाए, आप कभी ना भूले। मैं अब मगध की साम्राज्ञी हूं, मेरे कुछ कर्तव्य हैं और प्राण रहने तक मैं उन्हें पूरा करूंगी। हम आभारी हैं प्रिय। आभार तो परायों के माने जाते हैं महाराज। हमारे और आपके कुछ संयुक्त कर्तव्य हैं और हमें संयुक्त रूप से ही उनका पालन करना है। यदि अनुमति दे तो निवेदन करूं। निवेदन नहीं, तुम आज्ञा तो देवी। मगध की राजलक्ष्मी, मगध साम्राज्य विनाश के कगार पर खड़ा है। धूर्त चाणक्य आपको सम्राट पद से हटाने की प्रतिज्ञा कर चुका है। वो कुटिल है, हम जानते हैं, पर मेढक बदन फुलाकर बैल तो नहीं बन सकता। सुवासिनी, मगध कोई छोटा मोटा राज्य नहीं है, वह एक विशाल साम्राज्य है। विशालता ही कभी कभी दुर्बलता साबित होती है महाराज। आप भूल गए किस तरह वो दोनों मेरे पिता को उड़ा के ले गए हैं। सुवासिनी, तुम डर गई हो। फिर भी हमें उनकी कोशिश नाकाम करनी होगी। कैसे? मित्र जोड़कर। मित्र? हाँ, गणों और संघों को अपनी तरफ खींचकर, क्योंकि उन्हीं को चंद्रगुप्त और विष्णुगुप्त से सबसे ज्यादा खतरा है। हमें गणों को विश्वास दिलाना होगा कि हम उनके खिलाफ युद्ध कभी नहीं करेंगे, तभी वे चंद्रगुप्त के बढ़ते कदम रोकेंगे, तभी मगध सुरक्षित रह पाएगा। संघ भी कारगर साबित हो सकते हैं। बुद्ध के प्रभाव के कारण वैदिक दर्शन लड़खड़ा रहा है और वैदिक दर्शन साधारण जन समुदाय पर छाए हुए हैं। हमें उन्हें शक्ति देनी चाहिए ताकि चंद्रगुप्त के खिलाफ विरोध करने की मानसिकता अपने आप बने। फिर कोई शक्ति मगध की तरफ आंख उठाकर देखने का साहस नहीं कर पाएगी। बहुत हो चुकी औपचारिकता है चाणक्य, आप पहले इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने गणों के विरुद्ध युद्ध क्यों छेड़ा? वो तो आपके शत्रु नहीं थे। आप जानते हैं, ना तो हम सत्ता बढ़ाना चाहते हैं, ना साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन गणाधिपति, आपने हमारे साथ युद्ध किया ना? और हराया भी। आर्य चाणक्य, आपको साम्राज्य स्थापित करने की धुन है और साम्राज्य गणों का विनाश कर देगा, इसलिए हम आपके साम्राज्य को स्थापित नहीं होने देंगे, ये आप अच्छी तरह जान लीजिए। हम साम्राज्य स्थापित करके रहेंगे गणाधिपति, ये भी आप अच्छी तरह जान लीजिए। एक बार मुठभेड़ में हार जाना युद्ध हार जाना नहीं होता। शांत रहो चंद्रगुप्त, गणाधिपति सारिपुत्र हमारे संरक्षक हैं और हमारी भलाई चाहते हैं। गणाधिपति सारिपुत्र, हम गणराज्यों का आदर करते हैं, उनकी व्यवस्था में लोकहित का बराबर ध्यान रखा गया है, परंतु आज स्थिति एकदम बदल चुकी है। यूनान के मैसेडोनिया से सप्त सिंधु तक साम्राज्य बन रहे हैं, बल्कि बन चुके हैं। सिकंदर ने स्वयं कई गणराज्यों को अपने पांव तले रौंदा है और आप ये भी जानते हैं कि नंद के मन में गणराज्यों के लिए जरा भी सहानुभूति नहीं है। आप सिकंदर और नंद से अलग नहीं आ रहे विष्णुगुप्त, क्या है? आपने अच्छा प्रश्न उपस्थित किया है और मैं भी आपको सीधा और निसंदिग्ध उत्तर दूंगा। हम आपको आश्वासन देने को तैयार हैं। कैसा आश्वासन? यदि आप नंद के विनाश में और यूनानियों के पराजय में हमारा साथ देते हैं, तो हम आपको आश्वासन देते हैं कि आपकी स्थानीय स्वतंत्रता सुरक्षित रहेगी। यदि आप
सीधे सामने ना आना चाहें तो भी कोई बात नहीं, पर नंद के विनाश को रोकने की चेष्टा नहीं करेंगे, इसका आश्वासन आप दें। किंतु हम विश्वास कैसे करेंगे? क्यों नहीं, हम विदेशी आक्रमणकारियों की तरह मनमानी करने वाले तो नहीं हैं, ना ही हम नंद की तरह अत्याचारी हैं। हमारा केंद्रीय शासन नियमों का पालन करेगा और व्यवस्था को बनाएगा गणाधिपति। और दूसरे गणों का क्या होगा? आपसे ये बात छिपी हुई नहीं है कि सभी गणराज्यों का शासन अच्छा नहीं है। कुछ भीतर ही भीतर सड़ चुके हैं और कुछ नाम मात्र के गण हैं। आपकी बात अलग है, हम आश्वासन आप और आप जैसों को दे सकते हैं, क्योंकि आप भी दूरदर्शी हैं। हिरण्यगर्भात् समवर्तताग्रे भूतस्य जातपतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं जामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। वह था हिरण्यगर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान, वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान। जो है अस्तित्वमान धरती आसमान धारण कर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर। जिसके बल पर तेजो मैं है अंबर, पृथ्वी हरी भरी स्थापित सिर, स्वर्ग और सूरज भी स्थिर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर। गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर, व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर, जगा जो देवों का एकमेव प्राण बनकर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर। ओ सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा कर, सत्य धर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षा कर, फैली है दिशाएं बाहु जैसी उसकी सब में सब पर, ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर, ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर।